बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास। आज हम स्नेयर की रीडिंग करेंगे। स्नेयर जो है वो फंदे को बोलते हैं, ट्रैप को बोलते हैं। यहाँ पे रैबिट का जिक्र किया जा रहा है और एक लिटिल जो है लिटिल चाइल्ड का जिक्र किया जा रहा है, जो कि अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, जो कोई जो कि काफ़ी तकलीफ़ ज़्यादा किसी चीज़ की आवाज़ है। और वो जो तकलीफ़ दे चीज़ है वो एक रैबिट है, जो किसी फंदे में किसी स्नेयर में फंस चुका है। और लेकिन ये आवाज़ जो है इसको बार बार सुनाई दे रही है इस लड़के को, इस बच्चे को, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पा रहा। ठीक है, तो ये कोशिश करता है इसको ढूंढने की, लेकिन इसको मदद के लिए पुकारने वाली आवाज़ तो बार बार सुनाई दे रही है, लेकिन वो रैबिट नज़र नहीं आ रहा। ये इसकी रीडिंग है। और इसके साथ आज ये जो इसका ये पेज है एक्सरसाइज का, ये आप फुल स्किप है, ये आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट पेज की तरफ आए तो यहाँ पे क्वेश्चन है इसका, ट्रांसटिव वर्ब हैज़ आ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी ट्रांसटिव क्या है और इंट्रांसटिव क्या है। ट्रांसटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट मौजूद हो, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद हो। और इंट्रांसटिव वर्ब वो होता है जिसके पास डस नॉट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना रखता हो। यानी ट्रांसटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी होता है और इंट्रांसटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी नहीं। यहाँ पे अंडरलाइन ओनली द ट्रांसटिव वर्ब इन द फॉलोइंग, आपने जस्ट ट्रांसटिव को अंडरलाइन करना है। अब यहाँ पे ये वर्ब है तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो ये वर्ब कौन सा वर्ब कहलाएगा, ट्रांसटिव वर्ब, इसको अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद है स्वैम, स्वैम जो है यहाँ पे कहाँ वो तैर है, रिवर में, ये स्वैम क्या है, ट्रांसटिव वर्ब। उसके बाद यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है जो है ट्रांसटिव वर्ब नहीं है। एग्स इन द बास्केट ब्रोक सडनली, सडनली के बाद जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या होगा, ये ट्रांसटिव वर्ब नहीं है, ये इंट्रांसटिव है, तो हमने सिर्फ ट्रांसटिव को अंडरलाइन करना है। उसके बाद आ रहे हैं द मैन ब्रोक द स्टिक, ब्रोक यहाँ पे ट्रांसटिव वर्ब है क्योंकि यहाँ पे स्टिक से आ रहा है। उसके बाद आई एट द बनाना क्विकली, बनाना कैसे खाया है, क्विकली खाया है। आई एट द बनाना, खाया क्या है, बनाना, बनाना यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये एट हमारा ट्रांसटिव वर्ब हुआ। अंडरलाइन द इंट्रांसटिव वर्ब इन द फॉलोइंग, इंट्रांसटिव वर्ब वो होता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो। द चिल्ड्रन सेंग ब्यूटीफुली, यहाँ पे सेंग जो क्या है, इंट्रांसटिव वर्ब है। उसके बाद शी स्पोक उर्दू, तो यहाँ पे ये तो ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, तो ये भी नहीं है। आमिर क्लोज द डोर, ये भी नहीं है। तो इसमें आई एट क्विकली, एट जो है हमारा इंट्रांसटिव वर्ब है इस पूरे क्वेश्चन में, एट हमारा इंट्रांसटिव वर्ब है और सेम, बाकी ये दोनों ही ट्रांसटिव है। तो आपने इस क्वेश्चन को समझ के ये जो डिटेल दी गई है, इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है और फिर इसको लर्न करना है। अल्लाह हाफिज़।